योगी ने छीन लिया केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर। केशव मौर्य योगी को कंपटीशन देने चले थे, लंगड़ी लग गई। केशव प्रसाद मौर्य को नहीं मिला पार्टी से हेलीकॉप्टर। केशव प्रसाद मौर्य ने खुद बुक कराई अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर। केशव प्रसाद मौर्य हुल्ले ले किए फिर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पैदल कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य को जब पार्टी ने हेलीकॉप्टर नहीं दिया तो उनको खुद ही डबल इंजन वाली और 8 सीटर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की बुकिंग करानी पड़ी। हमारे पास हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी है और वो कागजात भी जिसमें बुकिंग की बात लिखी गई है। ये जो सामने नीले रंग के हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, जो CM के हेलीकॉप्टर के ठीक बराबर में खड़ी है, वही है केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर। आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। खबर तो ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य को हेलीकॉप्टर का हैंगर भी नहीं दे रहे थे CM, लेकिन लड़कर केशव प्रसाद मौर्य ने लमार्टिनियर स्कूल के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लगवाई। ये लेटर देखिए जो इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब CM योगी ने केशव प्रसाद मौर्य को हेलीकॉप्टर नहीं दिया तो 4 दिसंबर को केशव प्रसाद मौर्य ने खुद हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई। लखनऊ के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा के लेटर हेड पर पुलिस कमिश्नर और ADM प्रशासन को यह खत लिखा गया कि अधिकारी केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर के लिए परमिशन दे। अब समझ में आया कि आजकल केशव प्रसाद मौर्य अपने भाषणों में टोपी और लुंगी का जिक्र क्यों करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आजकल उन्हें ज्यादा याद आ रहे हैं ऐसे लोग, लेकिन मौर्य बाबू की सच्चाई सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। आजकल योगी के बराबर पहुंचने की जल्दी में है केशव प्रसाद मौर्य, या यूं कह लीजिए कि योगी को भी फेल करके आगे निकल जाना चाहते हैं। हम जो दिखाने जा रहे हैं उसे ठीक से समझिएगा और सुनिएगा। केशव प्रसाद मौर्य अब कट्टर भाषणों के मामले में योगी आदित्यनाथ को पीछे छोड़ना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि योगी को हराना है और पार्टी में उनसे आगे निकलना है तो योगी के जैसा ही हार्ड हिंदुत्व की लाइन अपनानी होगी और कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड खेलना होगा जिससे लोग योगी को भूलकर केशव मौर्य करने लगे। तभी पार्टी में पद, ओहदा और पूछ सब कुछ मिल सकता है। केशव प्रसाद मौर्य इस बात की आशंका से भी डरे हुए हैं कि अगर लुंगी और टोपी जैसे बयान नहीं देंगे तो मीडिया के फोकस से आउट हो जाएंगे, और जब मीडिया के फोकस से आउट हो जाएंगे तो योगी जी चुनाव में भी साइड कर सकते हैं। वैसे हेलीकॉप्टर मामला इस बात का प्रबल प्रमाण है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा कि BJP दिखाने की कोशिश करती है। नरेंद्र मोदी ने योगी के प्रभाव को कम करने के लिए जेवर में एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर भले ही केशव प्रसाद मौर्य का हाथ उठाया हो, लेकिन इससे केशव प्रसाद मौर्य का कद प्रदेश में नहीं बढ़ पाया और पार्टी में भी नहीं। उनके कद को हमेशा योगी जी ने कतर दिया है, बल्कि उस पर अभी भी योगी जी की कुदृष्टि पड़ी हुई है, जिससे मौर्य साहब आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। वैसे केशव प्रसाद मौर्य को इस हेलीकॉप्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी? सूत्र बताते हैं कि मौर्य को मथुरा जाना था 6 दिसंबर के कार्यक्रम में शामिल होने, लेकिन योगी ने उन्हें हेलीकॉप्टर दी ही नहीं। आनंद फानंद में 3 दिसंबर को ही मौर्य ने हेलीकॉप्टर बुक करा लिया। इधर जानकार तो ये भी मानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य इसकी शिकायत लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए और 6 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके अपनी पूरी शिकायत रखी। मोदी से करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने अपने साथ हो रहे धोखे का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो किसी भी कीमत पर उनके साथ ऐसा नहीं होने देंगे, पर अंदर की बात तो यही है कि चाहे PM हो या फिर अमित शाह, UP में BJP में वही हो रहा है जो योगी चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।